Subscribe and press the bell icon for latest update. आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे तेज प्रताप को समझाया था कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। लालू ने कहा, हमने उनसे कहा था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लालू यादव अपनी बातचीत के दौरान ये बातें कही। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान राम मंदिर, गुजरात चुनाव और वंशवाद पर बेबाकी से विचार रखे। आपको बता दें कि जब लालू से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप तेज प्रताप के बयान पर माफी मांगेंगे, तो लालू ने कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ, आई एम हेड ऑफ द फैमिली। आरजेडी अध्यक्ष यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग भगवान राम को भी राजनीति में लाकर बदनाम कर रहे हैं। योगी और सुब्रमण्यम स्वामी का बनाना चाहती है इस देश को। मैं जानता हूँ कि ये सब पाखंडी है, मैं कृष्णवंशी हूँ, राम भगवान हर इंसान के हृदय में है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा, मुस्लिम भाई भी यही मानते हैं। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।